रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एकल अभियान राजगढ़ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजगढ़ खंड के सौजन्य से हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नवरात्रे के पावन अवसर पर राजगढ़ शहर में आज एक शोभा यात्रा निकाली। यह रथ यात्रा राजगढ़ सोलन सड़क पर कोटली से नए बस स्टैंड राजगढ़ तक निकाली गई। 3 किलोमीटर लंबी इस रथ यात्रा में एकल अभियान के राजगढ़ खंड के सभी संघों की बहनों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को हिंदू नववर्ष के बारे में जागरूक किया गया। शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। यह रथ यात्रा नए बस स्टैंड से वापस कोटली तक भी पैदल चलकर ही गई। इसके बाद कोटली में प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के आरंभ होने पर क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज, सनातन धर्म मंदिर राजगढ़, शिव मंदिर राजगढ़ में सुबह से भक्तों का आना जाना लगा रहा। लोगों ने हिंदू नववर्ष के आरंभ होने पर अपने अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद ग्रहण किया और एक दूसरे को नववर्ष आरंभ होने पर शुभकामनाएं दी। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। जी जय श्री राम जी, मैं दलबीर सिंह पूर्व में भाग अध्यक्ष भाग सिरमौर के समिति के रूप में मैं एकल में लगभग 5-6 सालों से कार्यकर्ताओं के सहयोग में सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा हूं और आज अंचल राजगढ़ में हमारा जो एक हिंदी रीति के हिसाब से जो हमारा एक हिंदू नववर्ष का जो एक शुभारंभ हुआ उस उपलक्ष में अंचल राजगढ़ में हमारा एक छोटा सा शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम था एकल की तरफ से और ये कार्यक्रम पूरे देश में ही यहाँ एकल की तरफ से हर जगह छोटे छोटे जगहों में हर जगह मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आज राजगढ़ में भी एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे अंचल के समस्त कार्यकर्ता व सभी संचों से ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी संच प्रमुख व आचार्य बहनें इसमें सभी उपस्थित रही और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ इसमें भाग लिया और ये कार्यक्रम हमारा अब वापिस जाकर ये हमारी जो शोभा यात्रा है कोटली में जाकर समापन होगी और उसके बाद कोटली में जाकर हम इसमें जो हमारा एक प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है उसको वितरित करने के बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो इसके साथ ही मेरा धन्यवाद। जय श्री। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।